नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ करे हैं। PM ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह इस पुण्य अवसर का साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस ने शामिल होने से मना कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी समेत सभी पार्टी नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज भारतीय शेयर बाजार की धमाकेदार तेजी पर शुरुआत हुई है और IT शेयरों की जबरदस्त बढ़त से बाजार को सपोर्ट मिला है। बैंक निफ्टी में भी हल्की तेजी है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लगातार 2-3 चढ़ने के बाद सुस्त ट्रेड दिखा रहे हैं। IT स्टॉक की हरियाली से स्टॉक मार्केट गुलजार दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर BJP कल से नमो नव मतदाता सम्मेलन शुरू करेगी। BJP अध्यक्ष JP नड्डा कल 11 बजे शुरू नव मतदाता सम्मेलन करेंगे। BJP मुख्यालय में कल 200 से ज्यादा पहली बार के वोटर को BJP अध्यक्ष नड्डा संबोधित करेंगे। BJP देश भर में 5000 से ज्यादा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगी। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में एक बार फिर से 16 जनवरी को पंजाब पुलिस की SIT के सामने पेश होने के समन किए गए हैं। कोलकाता में मंत्री और TMC नेता सुजीत बोस और TMC विधायक तपस रॉय की आवास पर ED की छापेमारी जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन का सेट फॉर्मूला सामने आया है। कांग्रेस सपा को 50 से 52 सीटें, खुद 18 से 20 सीटें, RLD को 5 सीटें और चंद्रशेखर रावण मोहन दल को एक एक सीट पर राजी कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि अगर गठबंधन में OP राजभर शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी को भी 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। PM मोदी ने X पर लिखा है कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्मृति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने X पर लिखा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं धार्मिक हूँ, ये मेरा नितांत निजी विषय है। अपने धर्म को मानने का तरीका किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना ही हमारे देश की असली पहचान है। अफगानिस्तान में आज सुबह 4:51 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इसकी गहराई 17 किलोमीटर थी। मुंबई के मालवनी पुलिस ने कांदिवली थाना क्षेत्र के लालजीपाड़ा इलाके की झुग्गी बस्ती में चल रही एक दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 1.18 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। वाराणसी और गुजरात के कलाकार आगामी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भगवान राम को भोग लगाने के लिए देसी घी का उपयोग करके लड्डू बना रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंह देव ने कहा कि अगर यह पूरी तरह से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह से राजनीतिक है। मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को BJP क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कारणों से दोनों गुटों के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे सभी शिवसेना विधायक पात्र हो गए हैं। इस नतीजे को शिंदे गुट के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े समुद्री पुल को तोहफा आज मुंबई को देंगे। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 20 मिनट लगेंगे। इसके उद्घाटन के बाद लोगों का 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में तय होगा। इस पुल का पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा शिवा अटल सेतु है। श्री राम राघवन फिल्म मेरी क्रिसमस आज सिनेमाघरों में लग गई है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं। दोनों पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि किंग खान अब एक बार फिर से एक्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नई फिल्म से पहले उनकी पिछले साल क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्म डंकी की
लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं। डंकी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में सीरियल रामायण के राम, अरुण गोविल, सीता, दीपिका चिखलिया के साथ अब लक्ष्मण, सुनील लहरी भी शामिल होने वाले हैं। सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्म सलार को लेकर अपने चाहने वालों के बीच लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सलार सिनेमाघरों में अच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं प्रभास की फिल्म को रणबीर कपूर और सलमान खान की फिल्मों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।